सरकार आपने हमें कैद कर रखा है। बच्चों वेरी वेरी गुड इवनिंग, वी आर लाइव हियर। यस यस यस, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों और आसपास के माहौल वाले को उठा के ले आओ। आज हम कुछ बहुत ही बेहतरीन बात करने जा रहे हैं। आपने ये चेहरा जरूर देखा होगा, मैं कैद वाले कपड़े में आया हूँ बेटा। और यहाँ पर मेरे बगल में जो आपको देख रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक डाकू है, और एकदम डेंजरस डाकू है, कम्युनिकेशन की डाकूनी है। करंट बात, बच कर रहना बच्चों इनसे। मैं बहुत मासूम आप जैसा शरीफ बच्चा हूं मैं। जल्दी से हाय बोल दो और जल्दी से लॉ रॉक्स बोल दो कि मैम को जल्दी सी हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर शुरुआत करेंगे जल्दी जल्दी। सरकार डर लग रहा है, डर लग रहा है। बच्चों को हाय तो बोलो मैम। आ रही है, आ रही है मैम। मैं डर गया हूं। मैं देखो, मैंने बीच में ब्लैक दीवार रखी है, फिर मैम दूर है उधर, ऐसा समझो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। लॉ रॉक्स बोल दो पहले, और जल्दी से। जल नहीं आ रही है, पर एक बार चेक करते हैं। बच्चों वॉइस क्लियर है आप लोगों को? और जल्दी से लाइक बटन दबा दो भाई, लाइक बटन दबा दो। मैम की योर वॉइस इज लो, एक सेकेंड रुको। आप थोड़ा कैमरा के पास बोल सकते हैं आप, आगे थोड़ा सा। हाँ ऐसा, अभी बोलो। अरे सौरभ मेरे भाई, CA CT का सेशन, तू एग्जीक्यूटिव का क्वेरी पूछ रहा है यार। बच्चे अगर हम एग्जीक्यूटिव पढ़ाते हैं, ईटी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। भाई मेरे भाई, डोंट वरी, बी हैप्पी। सौरभ श्रीवास्तवा, इंस्टीट्यूट ने बोला है कि जो भी है जून की मॉड्यूल फॉलो करनी है। आपको मालूम है ये बात, इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है। माइक चेक, बोलो मैम। और एक बार, एक मिनट, अभी आवाज आ रही है क्या? एक मिनट रुको, मैंने सेटिंग्स चेंज कर रहा हूँ मैं। बच्चों अभी आवाज आ रही है मैम की? कुछ आवाज आ रही है अभी? अनुष्का, राज सर को किडनैप किया गया, राज सर है जय। मैम और एक बार बोलो, आपने किडनैप किया है मैं राज सर को, मैंने सुना। मैं मेरे दोस्त को बचाने आया हूँ यहाँ पर। राज सर का तो देखो यार, मेरा ना अभी मैं बता रही हूँ, सीधी सी बात है, मेरी ना सटक गई है। बहुत दिन से एक ही चीज चल रही है, एक ही एक प्रॉब्लम, एक ही एक प्रॉब्लम। तो मैंने सुना राज सर को गायब कर लेते, अभी हमारे बहुत हो दोस्त को गया क्या? बचाओ, हमारे दोस्त को बचाओ। मेरे को ये चिक चिक नहीं चाहिए क्या? डर गए हम, माते डर गए। तो बच्चों आज शुरुआत करते हैं। यहां पर मैं बना हूं वीरू, बसंती के बारे में पूछना नहीं। जय अपना हो गया किडनैप, वो गब्बर के कस्टडी में है। और गब्बर तो आप देखो, कम्युनिकेशन वाले जो है गब्बर है, लॉ वाले भाई बचाने आ जाते दोस्तों के लिए, दैट इज वीरू। और अपने जय को बचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या करते, राज सर को बचाए या नहीं बचाए, जल्दी बताओ। और मैं बसंती नहीं हूँ जो नाचने के लिए यहाँ पर आई नहीं, हूँ, ठीक बसंती है? तो, बसंती के बसंती मत सामने नहीं नाचना। समझना, ये बसंती गबरू है। भाई, डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। चलो तो यहाँ पर मैं आपके लिए आया हूँ, और मैं आज टीचर नहीं, मैं स्टूडेंट बन रहा हूँ भाई। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस आग लगाओ आज तो, ठीक है ना बात। और आज यहाँ पर मैम को हमने गब्बर का रोल, एकदम डाकू नहीं वाला रोल है, जो आज अपने कुछ सवालों के जवाब देंगे, और फिर जवाब होने के बाद अपने जय को बचाकर घर ले जाएंगे आज। वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले वीरू सवाल पूछ रहा है मैम, जो बच्चे बोल रहे हैं, और बच्चे मुझसे भी पूछते हैं। मैम एक सवाल है आपसे, ठीक है? सवाल ये है, सबसे पहले एग्जाम होगी कि नहीं होगी, बहुत फालतू सा क्वेश्चन था, बट यस, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, ईटी वाले बच्चों की दिवाली वाली यार एग्जाम होगी कि नहीं होगी, बताइए।
यार देखो ये ना, एक तो ये फालतू के जो सवाल है ना उससे ना मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया। ठीक है, मतलब ये जो ये मेरे साथ ना ये सारे फालतू के सवाल चलेंगे नहीं। मैं दिन में एक ही बार खाना खाती हूँ और उससे मैं ये बॉडी बनाती हूँ। बाप ठीक रे। है, तो मुझे उसमें ये बात क्लियर करनी है कि बार 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 एक ही सवाल पूछोगे तो एक गब्बर की सटक जाएगी। सॉरी एक सर बार आखिरी सर बार सीधे शब्दों में बता रही हूँ कि एग्जाम होगी, 21 नवंबर को होगी और दिवाली अच्छी निकलेगी। दिवाली के दिन हम पढ़ेंगे भी, दिवाली भी मनाएंगे और EET क्लियर भी करेंगे और एग्जीक्यूटिव में भी नहीं नहीं मैं जाएंगे। समझ गया ठीक समझ है गया। नहीं, डर गए, मैं समझ गया हुई है मैम। बट पता है क्या, बहुत बहुत एक सवाल जो देख रहा हूँ ना मैं बच्चों का, और मुझे भी लग रहा है यार ये MCQ प्रैक्टिस का बहुत टेंशन आ रहा है मुझे। आप पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हो पढ़ा रहे हो, रोज आते लेक्चर लेते हैं, सर आते लेक्चर लेते हैं, लॉ वाले सर लेक्चर लेते हैं, कम्युनिकेशन वाले मैम लेक्चर लेते रहते हैं, ठीक है, LR वाले सर MCQ बेस ही करा रहे हैं, बट ये MCQ का बहुत टेंशन आ रहा है मैम एग्जाम में, क्या करें आप बताइए। यार, MCQ 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 नहीं बट दिमाग मत उस खराब करो। और एक सवाल एक सवाल एक सवाल, हम लोग इतना सारा ग्रुप पे ना MCQ ढूंढ ढांड के लाते हैं, हम बच्चे लोग पकड़ पकड़ के यहाँ से स्क्रीनशॉट डालते हैं, फिर हम उसके ऊपर आधा घंटा भेज करते हैं यार, डिबेट चलता है आधा घंटा, तो वो क्या करें मैम, वो वाले MCQ मैं सॉल्व करूँ क्या मैम बताइए। देखो पहली चीज तो मैं एक बार बता देती हूँ, सुबह उठती हूँ ना, ये ढेर सारे मैसेज, मतलब तुम लोग इतना दिमाग खराब करते हो ना, इस गब्बर का क्या बताऊं मैं। सुबह से 1 करोड़ मैसेज, फोन टंग 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 टंग, कितनी बार कितनी बातें। एक बात सीधे शब्दों में फिर से बता देती हूँ, आप लोग जो MCQ डिस्कस करते हो जोक से बाहर, लेकिन आप लोग जो MCQ डिस्कस करते हो वो ये है कि देखो, आप लोग जितने भी MCQ एवरी डे यू आर डिस्कसिंग ऑन द ग्रुप, दैट इज जस्ट वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम। यू आर जस्ट वेस्टिंग एक दूसरे का टाइम, उससे कुछ निहार नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन पे 50 लोग डिस्कस करेंगे, जैसे वो KBC का 1 करोड़ वाला क्वेश्चन है, 1 करोड़ मिलने वाले ना अगर उसपे, तो खूब डिस्कस करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तुम ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हो जिसकी श्योरिटी भी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं। ठीक है, तो व्हाई आर यू वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम, क्यों बकवास कर रहे हो इतनी। इसके लिए हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं, और तुम लोगों के जो डाउट्स है ना, मैम पेपर होगा क्या, मैम रिविजन होगा क्या, मैम क्वेश्चन पूछेंगे क्या, मैम टेस्ट होगा क्या, बोलिए। नहीं ये बात तो सही बोले आप कि भाई हम रोज ग्रुप पे MCQ बात कर रहे हैं और आधा आधा घंटा एक एक क्वेश्चन के लिए लेके डिबेट तो कर रहे हैं, ये बात तो सही है, तो रास्ता तो बताओ, रास्ता क्या है फिर। रास्ता हमारे पास एक बड़ा और अच्छा है। ये गब्बर जो है ना तुम लोगों के पास आया है, एक तो जय और वीरू की किडनैपिंग करके, वो तो चलो मैं उनसे निपट लूंगी। ठीक है, जितनी भी फिरौती मांगनी है अपन सब मिल बांट के खा लेंगे, टेंशन मत लो उसका। लेकिन एक मैं बहुत अच्छी न्यूज के साथ आई हूँ, ये दिस गब्बर इज कमिंग अप विद अ पॉजिटिव न्यूज, एंड दैट इज टेस्ट सीरीज। दैट इज बाय व्हाट मेरी जान, टेस्ट सीरीज। ठीक है, एंड ये टेस्ट सीरीज चालू हो रही है कब से, परसों के दिन। दैट इज परसों का दिन काफी शुभ है, क्यों है, क्योंकि थर्सडे है। थर्सडे शुभ क्यों है पता नहीं। ठीक है, तो थर्सडे के दिन से चालू हो रही है, 5 नवंबर से, 5 नवंबर से 12 नवंबर तक टेस्ट सीरीज रहेगी। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन है ना, मैम क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैम बहुत डर लग रहा है, मैम ये मैम वो ये वो, तो अभी सब खत्म है। टेस्ट सीरीज आ रही है, और वो टेस्ट सीरीज का पैटर्न सुनोगे ना तो तुम प्यार कर लोगे हमसे, सच बता रही हूं मैं। ठीक है, अब बताइए। हाँ जी सर, बोलिए। तो मैम ये टेस्ट सीरीज, मतलब मुझे एक बार बताओ ये टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है क्या, मतलब क्या होगा उससे, फर्क क्या पड़ेगा, मतलब व्हाई। देखो आप ऐसे सवाल ही क्यों पूछ रहे हो, मतलब आपको छूटना नहीं है क्या? नहीं मुझे जेल से छूटना मैम, कैदी वाले कपड़े देखो ये सफेद और काले जो है, मुझे जेल से छोड़ दो, मेरे जय को भी छोड़ दो भाई, चलो जय को किडनैप कर दिया आपने। 50 रुपए काटो हमारी ओवर एक्टिंग का सबसे पहले तो। ठीक है, आई नो बट सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, दिस इज फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसे नहीं है इसके। ठीक है, तुम हमारे बच्चे हो, किस किस बात के पैसे लेंगे बार बार। ठीक है, तो तुम टेंशन मत लो कोई। हाँ बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, पहली चीज। दूसरी चीज, ये देना चाहिए क्या?
अरे पूछना है क्यों, देना चाहिए क्या? जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, एज इट इज तुमसे थोड़ा ना पूछेंगे, सौम्या मैम ने क्या पढ़ाया तुम बता दो, मयूर सर ने क्या पढ़ाया तुम बता दो, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, तो अभी कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब जैसा एग्जाम में पेपर देना है वैसे तो तुम पढ़ाई करोगे ना, तो अभी 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक तुम्हारी होगी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स समझती हो मैम? प्रीलिम्स तो भारी वर्ड हो गया, छोड़ो। प्री एग्जाम समझते हो? प्री एग्जाम जो आप लोगों की प्री बोर्ड एग्जाम होती थी 12th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में, तो वो क्या होता था, हम अपनी मेन एग्जाम की तैयारी करते थे, वो होती थी प्री एग्जाम। तो आपकी 5 से 12 तारीख तक होगी प्री एग्जाम, जिसमें आपको पर डे होंगे, पर डे आपके चारों सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। अब मैम पर डे 4 सब्जेक्ट क्या बात कर रहे हो ये वो, अरे क्या बात क्या कर रहे हो, तुम लोगों को मेन डे भी तो चारों एग्जाम की एग्जाम देनी है ना, चारों सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो जब मेन डे तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 21 तारीख को तुम्हें चारों सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है, तो तुम 5 से 12 भी पर डे चारों सब्जेक्ट की एग्जाम दोगे, पर छोटे छोटे टॉपिक कर, क्योंकि हम लोग भी गधे नहीं है कि तुम लोग एक दिन में सब पढ़ लोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स की तुम्हारी एग्जाम होगी हर दिन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख तक, हर दिन सारे छोटे छोटे आपके टॉपिक्स की एग्जाम होगी। अब बताइए मेरे को ये सवाल है कि अगर मैं टेस्ट नहीं दू और दू तो कितने मार्क्स में मेरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बताइए, तो मैं सोचूंगा फायदे वाली बात होंगी तो मैं दिमाग लगाऊंगा। ओके देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, चलो 200 मार्क्स का है ना, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो 200 मार्क्स में से मेरे को लगता है 70-80 तो आप स्कोर कर सकते हो, पर पास भी तो होना है ना, सिर्फ टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना एग्जाम दे रहे थे, पास होना है ना। तो अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, मतलब अराउंड 140-150 मार्क्स लाना चाहते हो, तो फिर टेस्ट लगा ही लो भाई। और लगाना क्या है, इंस्पायर खुद दे रहा है तुमको, तुमको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसको पढ़ना है बस। टॉपिक भी हम बताएंगे, प्रिपेयर कैसे करना है हर दिन वो भी हम बताएंगे, पढ़ाई का टाइम टेबल भी हर दिन हम देंगे, तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है, अब इतना तो कर ही लोगे ना। कितना हमारे लिए कितना पढ़ेंगे, परेशान कर दो, कितना पढ़ेंगे, अब रिवीजन भी हो गया, रेगुलर भी पढ़ रहे, कितना पढ़ेंगे? देखो मैं काफी एकदम गब्बर वाले मोड में खड़ी हूँ, ठीक है? तो रिवीजन हो गया ना, रिवीजन हो गया, पूरी तैयारी हो चुकी है, अब खुद को टेस्ट कर लो जरा, है ना। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई हम लोगों ने अभी तक पूरा पढ़ लिया है, पूरी मेहनत कर ली, पर जब क्वेश्चन आता है ना सामने, सटक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, वहां पर ऐसे पेन ना रुक जाता है, अरे यार ये पढ़ा तो था पर कुछ याद नहीं आ रहा है। तो ये जो पूरा आपको उस टाइम पर सिम्टम्स आता है ना, बुखार आता है, ये बुखार सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस का होता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो मे बी इफ यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन एंटायर चैप्टर एंड एवरीथिंग, बट इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग तो फिर भूल जाओ, ठीक है, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक जो रहेगा, मतलब अभी अगर हम पहले बता दे, भले आप हमें ग्रुप पे डाल दो, बट पहले बताए तो उससे क्या होगा, वी विल प्रिपेयर एंड कम ना, जो टॉपिक आ रहा है आपने जो टॉपिक वाइज बताया है 5th से, तो अगर आप टॉपिक बता दे तो वील स्टडी रिवाइज एवरी डे, रिविजन में भी बैठेंगे, टेस्ट भी देंगे, मेहनत करने को हम रेडी, बट टॉपिक तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि कौन सा टॉपिक पे टेस्ट है? मयूर बच्चा, वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू। ठीक है, सो टॉपिक जो है डेफिनेटली हम लोग बताएंगे। सबसे पहले जैसे 5 तारीख को है आपका पहला टेस्ट, तो आपको 4th को ही सारी चीजें मिल जाएगी, मतलब टॉपिक ऐसे नहीं 4, 5, 6, 7, 8 एक एक दिन नहीं आएंगे, हर दिन का टॉपिक आपको 4 को ही मिल जाएगा। मतलब कल सुबह 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 जब आपका दिन उगेगा और सूरज को आप देखोगे, तब आपको टॉपिक और कौन सा टॉपिक और क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, ये सब कुछ आपको कल ही मिल जाएगा, ठीक है। तो हर दिन टॉपिक का वेट मत करना और परेशान मत करना, सर टॉपिक दे दो, मैम टॉपिक दे दो, ये नहीं करना है, सब कल ही मिल जाएगा, मिलेगा ना। यस, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जब आप लोगों को बोला कि ये प्री एग्जाम है और ये आपका जो प्री एग्जाम या प्रीलिम है, तो ये जो प्री एग्जाम प्रीलिम जो है उसके साथ साथ इंस्पायर का ही मेन एग्जाम होगा, क्योंकि मेरी जान अगर आपका 5 to 12 100 मार्क्स का पेपर हर दिन होने वाला है, तो
तो आपका मेन 200 मार्क्स की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेन पेपर तो 200 मार्क्स का आने वाला है। तो इसीलिए हम दिवाली पहले आप लोगों को अच्छे से मनाने देंगे, ताकि आप अच्छे से पूरा मिठाई विठाई का आगे मोटे हो जाओ। उसके बाद फिर हम 17, 18, 19 ये 3 दिन हम बिल्कुल वैसे एग्जाम लेंगे जैसे तुम आईसीएसआई का पेपर दे रहे हो, बिल्कुल वैसे जैसे तुम आईसीएसआई का पेपर दे रहे हो। हाँ जी बोलिए मैम। अभी देखो मेरे कुछ दोस्त है ना, वो तो पहले से ना पढ़ाई कर रहे हैं सीएसईटी, उन्होंने क्या किया था पेंड्राइव लेक्चर लिए, पढ़ाई की और अभी लाइव में रिवीजन कर रहे हैं। अब मेरे जैसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली आते हैं यूट्यूब पे पढ़ते हैं और बस तूफानी आग लगा देते हैं, मतलब हम बात ही अलग है हमारी, मतलब हम प्रोफेशनल एग्जाम तो ग्रांटेड पे लेते हैं और हम डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाके बैठ जाते हैं और एग्जाम देते हैं। अब मेरे जैसे बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड 100%। अब मेरे साथ जो दोस्त है उन्होंने एक बार पेनड्राइव लेक्चर देख लिया है, वो सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर ली, अब रिविजन कर रहे हैं, भले रिविजन आधा हुआ 50%, बट मेरा तो 50% हुआ। तो शुड आई गिफ्ट टेस्ट और नॉट गिफ्ट टेस्ट, दैट इज माई क्वेश्चन। ओके देखो, अब ये ना ये ऐसी दुविधा है खतरनाक वाली, जिसका जो जवाब है वो एक भगवान के पास है और एक मेरे पास है, ठीक है। तो वो है, चलो काफी काफी एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग होगी, 50 रुपए काट के मुझे ही देना तुम लोग, ठीक है। तो ये जो, हाँ जी, तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ रिविजन लेक्चर्स यूट्यूब पर अटेंड किए और अगर आप लोगों ने नॉर्मल क्लासेस रेगुलर क्लासेस नहीं किए, तो उनके लिए तो ज्यादा जरूरी है ये टेस्ट सीरीज। क्यों जरूरी? दो इसके रीजन है, और ये जो दो रीजन सुनोगे ना तो तुम खुद ही तुम्हें लगेगा कि मैम सही बोल रही है। पहली चीज ये कि अगर तुमने अभी तक रेगुलर क्लास नहीं की है तो तुम अग्री करते हो कि तुम्हारा 20-30% पोर्शन तो कहीं ना कहीं छूटा ही है, क्योंकि रेगुलर क्लास में हर चीज 3 महीने में 2-2.5 महीने में खत्म होती है और वही चीज हम लोगों ने 25-30 दिन में खत्म किया है ना, तो थोड़ा परसेंट तो छूटा है। ऑल्दो सब कुछ कवर कराने की कोशिश की है, तो वो जो चीज है वो तुम्हारे क्वेश्चन में कवर हो जाएगी 100%, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज, यूट्यूब पर फ्री मिल ही चुका था, टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल ही रही है, तो अभी क्या टेंशन है तुम्हारा? अभी तो तुम करो ना, तुमको तो टेंशन ही लेना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, जो मयूर सर आपके जो दोस्त है ना, वो मेरे को इतना परेशान कर रहा है, कितने सवाल सवाल नहीं, नहीं, सवाल मेरे जय के बारे में मत बोलो, जय के बारे में ऐसा नहीं बोलते, फिर भी बोलो। ये जो सवाल बार बार पूछ रहे हैं ना कि मैम ये किस पर होगा टेस्ट, तो बता रही हूँ, रुको जरा, सबर करो। इसका जो जवाब है वो ये है कि आप लोगों का टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर, तो कोई चीटिंग, कोई आंसर शेयरिंग, ये कुछ नहीं होना चाहिए। सीधे सीधे आपका जो पेपर होगा वो एप्लीकेशन पर होगा, उसको डाउनलोड करने की लिंक भी आपको कल मिल जाएगी, तो टेंशन कुछ नहीं लेना है। सीधे सीधे वो एप्लीकेशन कल डाउनलोड कर लेना और परसों से टेस्ट देना चालू, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी बोलिए। मुझे बताओ, पूरे टेस्ट सीरीज में जो आपने 5th से लेकर एग्जाम के एक दिन या दो दिन पहले जो भी 18-19 बोला है, कितने, अगर मैं पूरा टेस्ट सीरीज अटेंड कर लेता हूँ, मतलब सारे के सारे, रफली कितने क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके एग्जाम में जा रहा हूँ, ये बताइए आप। क्योंकि यार इतना मैं टाइम डाल रहा हूँ, करेक्ट है, सपोज एग्जाम्पल है कि अगर एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट ले रहे हो और इतने दिन ले रहे हो, तो मेरे प्रैक्टिस कितने बॉल्स के हो रहे हैं या कितने रन में बना पा रहा हूँ, ये बताइए। ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले हमारे राज सर को वापस करो, क्या क्या, कौन राज सर? अभी कोई राज सर वापस नहीं आ रहा, अभी तो मैं पूरी फिरौती लेके वापस भेजूंगी, अभी नहीं जा रहा है। अब थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे लो तुम, राज सर सुनो। देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम पर डे 100 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो, मैं अभी सिर्फ 5 से 12 तारीख तक की बात कर रही हूँ, तो 5th to 12th ऑफ नवंबर तक व्हेन यू राइट ऑल द एग्जाम्स, सो पर डे आपका हर सब्जेक्ट का 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, ओके। तो कम्युनिकेशन का 25, आपका LR और लॉजिकल रीजनिंग और लॉ का आपका 25 का, एनवायरमेंट का आपका और सब कुछ मिला के 25 मार्क्स का, और करंट अफेयर्स और कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स मिला के 25 मार्क्स का, तो पर डे आपका 25-25 मार्क्स का आपका हर दिन टेस्ट होगा, ठीक है, 25-25 मार्क्स का आपका हर दिन टेस्ट होगा। तो 5th से लेकर 12th तक आपको 100-100 मार्क के टेस्ट देने, जिसमें 25 मार्क्स ईच पर सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा, टॉपिक हम बताएंगे वो आपको पढ़ना रहेगा, और आपके करीब आपके जो 17, 18, 19 को जो होंगे पेपर वो होंगे आपके 200 मार्क्स के, तो वो तो बिल्कुल आईसीएसआई जैसा, उसमें फुल पेपर्स होंगे, वो फुल टेस्ट होंगे, उसमें आपका ऐसा कुछ नहीं कि इतना 25 मार्क का ये पोर्शन वो पोर्शन, ऐसा नहीं है। एक मिनट मैम, बट एक आपने एक तो हमारे जय को किडनैप कर रखा है,
इधर कुछ बच्चे सिर्फ जिंदगी में एलआरई पढ़ना चाहते हैं, उनको बाकी सब्जेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और आप बता दो, वो जय को आप अभी छोड़ रहे हैं या उनको घर जाना है, उनको टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो जय आने वाले कि नहीं आने वाले? तो वो बच्चे चले जाएंगे एलआर के लिए जो रुके है, ये बता दीजिए आप, नहीं तो कल देखो छोड़ वही दो आप, एलआर क्योंकि उनको बाकी दो सब्जेक्ट तो क्या है उनका तूफानी एकदम, मतलब वो एकदम अलग लेवल पे है, और दूसरा है कि उनको टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप एलआर बोल दो, वो बच्चे का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो आप बताइए एलआर होगा अभी कि हो नहीं होगा? एलआर कितने मार्क्स का एलआर मुझे बताना मयूर सर, कितने सर मार्क्स का एलआर? सर जितना मैंने 200 मार्क का पूरा सीएसईटी, उसमें 25 मार्क का तो शायद है, जितना मुझे मालूम, मतलब 10-12% है। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया पास हुए तुम्हें, नहीं तो उनका एलआर टाइम पढ़ लो, टाइम बढ़िया वेस्ट पास मत करो, हुए। आप बता दो कि एलआर होगा कि नहीं, बच्चे चले जाए, तो फिर हम आगे का अपना टेस्ट सीरीज का सही बता दे, है ना? ओके देखो सिंपल सी बात है भाई, एलआर जो है राजसर ही पढ़ाते तुम्हारे प्रिय राजसर, ठीक है? और राजसर को जो है वो मैंने किडनैप करके रखा है इंदौर में। आज मत इंदौर में छोड़ो मैंने ना उनको, उनको आज एक मत छोड़ो उनको। सराफा करके एक जगह इंदौर में जहाँ पे बहुत खाने पीने का मिलता है, तो मैंने वहां पर सराफा एक छोटे सी एक रेस्टोरेंट में मैंने उनको बंद कर रखा है। वहां पे बढ़िया ठूस रहे हैं वो, इतना मोटा होकर आएंगे वो, ठीक है? हाँ जी, मुझे भी तो नहीं नहीं हाँ आपको आपको आप पुणे में मिसल पाव खाओ, ठीक है? तो मैंने उनको इतना बढ़िया मस्त तरीके से उनको कैद कर रखा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। दैट कैदी इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, ठीक है? लाइक अ बॉस। तो अभी उनको छोड़ दो। एलआर के अलावा जो आपके बचे हुए मार्क्स हैं 200 में से, उसको 175 मार्क्स को भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि मेरी जान वो भी क्या करेगा, आपको पास ही करवाएगा। और हमें पास नहीं करना है, पास वास वाला लेवल तो मेरे को समझ में नहीं आता है। 100 वाला लेवल मेरे को नहीं समझ में आता है, मेरे को लेवल समझ में आता है 150 वाला। तो 150 वाला लेवल होना, ठीक है? राइट, तो ठीक है? टोटल तो मेक मार्क्स श्योर कि अभी, तो हाँ एलआर जी अभी है कि नहीं है, मतलब सर आने वाले कि नहीं आने वाले, जय को आप भेज रहे कि नहीं भेज रहे, कल भेजेंगे? जय, देखो यार मेरा मन हुआ, और अच्छा मैंने राजसर को ना एक चाबी दे रखी है वो खोलने की, ठीक है? जेल खोलने की। तो अगर वो खोलकर आ गए लास्ट में तो आ गए, नहीं खोल पाए तो कल आएंगे। तो अभी तुम वेट कर लो, क्या करना है, वरना दे मानुस ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना, कौन ही है महेंद्र नालायक, ठीक अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने है? क्वेश्चंस हो जाएंगे, कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके टेस्ट, पूरे टेस्ट सीरीज आप जो बात कर रहे हो, मतलब टोटल मुझे हाँ एंड तक जी बता दो आप, बस आप गणित ले लो, कैलकुलेटर लेके देखो, बता दो। हाँ ओके मैं कैलकुलेटर ले लेती हूँ। 1 2 3, आपका करीब करीब 7 दिन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, पर डे के हिसाब से आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है? तो आपके 350 क्वेश्चन तो हो गए सिर्फ 7 दिन के, ठीक और है? उसके आगे 50 क्वेश्चन, ओके राइट। और उसके जो 200 मार्क्स के जो आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 300 अलग, तो 300 क्वेश्चंस फॉर 17, 18, 19 ऑफ नवंबर, और 350 क्वेश्चंस फॉर 5th to 12th of November। तो आपके 650 क्वेश्चंस आपको टोटल सारे सब्जेक्ट्स के मिल रहे हैं। अब क्या भगवान से मिलना चाहते हो, तो आ जाओ इंदौर, अभी। और एक बात क्या है मैम, ठीक है? अभी इतना 4,000 क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है कि मैं ये क्वालिटी वाले 1,000 क्वेश्चन कर लूँ तो बेहतरीन है कि क्वांटिटी में खेलूँ, ऐसा बताइए। नहीं, बेटर यही है कि जो अभी क्वेश्चंस हम लोग देने वाले हैं, देखो थोड़ा सा हम लोग स्टडी करके आए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आने वाले हैं, किस टाइप की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, तो उस पर स्टिक करो। और जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं उस पर बिना कुछ दिमाग लगाए उस पर काम करो, ठीक है? उस पर प्रैक्टिस करो, उसके टेस्ट दो, उसको क्लियर करो। और फिर जो नहीं आता है उसके लिए मैं एक और बॉम्ब फोड़ने वाली हूँ, और वो है ये कि जो तुम लोग दिमाग खराब करते हो पर डे, मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, एलआर के एक क्वेश्चन नहीं आया, लॉ का एक क्वेश्चन नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग रोज रात में 1 घंटा, 1 आवर एवरी डे, वी विल बी डूइंग व्हाट, अ डाउट सॉल्विंग सेशन। हम लोग जूम पर हर दिन डाउट सॉल्विंग सेशन करेंगे रोज 1 घंटा, जिसमें हम लोग रोज टेस्ट के ही डाउट सॉल्व करेंगे। तो अब तो टेंशन ही खत्म हो गई ना। अब जो आप लोगों के मेजर 3 टेंशन थे वो क्या थे कि मैम एमसीक्यू कैसे आएंगे, सर एमसीक्यू कैसे आएंगे, तो एमसीक्यू कैसे आएंगे वो टेस्ट में पता चलेगा। मैम डाउट कैसे सॉल्व होंगे, तो वो आपके डाउट सॉल्व रोज रात में हो जाएंगे 1 घंटा, ठीक है? उसके लिए आप लोग अपनी बकर जो व्हाट्सएप ग्रुप पर करते हो वो बंद कर दोगे। और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या इस पर कोई प्राइज मिलने वाला है, 100% मिलेगा,
प्राइज जो आपके प्रिय राक्षस एलआर के गुरु आपको वो करने वाले हैं क्या? ठीक है, एक सेकंड मयूर सर, आप पहले डांस कर लो। मयूर सर डांस करने वाले हैं। अरे बोलो बोलो। तो हाँ जी, तो प्रिय आपके राक्षस जो है वो आपको प्राइज अनाउंस करने वाले हैं, ठीक है। और वो जो प्राइज होगा दैट विल बी फॉर मेन टेस्ट, क्योंकि अभी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए प्राइज कुछ नहीं होता है, मेन टेस्ट की तैयारी के लिए प्राइज होगा। एंड दैट प्राइज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पेरेंट। तो तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के लिए मिलाकर जो प्राइज मिलने वाला है उसकी अनाउंसमेंट राज सर आपके करने वाले जब मैं उनको जेल से छोड़ दूंगी, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है अभी, राइट? मेरे को एक है, जनवरी वाले बच्चों के लिए अलग होने वाला है क्या? वो जनवरी वाले बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर। जनवरी वाले बच्चों के लिए दिसंबर में जो भी टेस्ट सीरीज होने वाली होगी उसका अनाउंसमेंट अभी तक हमने नहीं किया है, तो क्या तुम उसके लिए ये टेस्ट सीरीज भी मिस करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो अभी ये तो जो मिल रहा है वो प्रसाद तो ले लो, कि आगे आने वाले प्रसाद का वेट करोगे? कभी किया है क्या? मम्मी ने बोला है कि परसों लड्डू दूंगी, तो आज का लड्डू मिस किया है क्या? नहीं किया है ना, तो आज भी लड्डू खाओ, परसों भी खाना। ओके ओके। और मैम और एक बात है, ये जो शेड्यूल वगैरह आप दे दोगे, मतलब कल हो जाएगा? कैसे एडमिन वगैरह, कैसा टेस्ट होगा, वो सब डिटेलिंग कल या कल शाम तक मिल जाएगा ना? कल शाम तक? अरे रे रे, इतना लेट तो पॉसिबल ही नहीं अपनी लाइफ में क्या? ठीक है, कल सुबह तक हो जाएगा। कल सुबह तक आपको टेस्ट की पूरी डिटेल्स, टाइम टेबल, शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग इन अ प्लेटर। ठीक है, तुम्हें पूरी प्लेट सजा के दे देंगे हम लोग। यू जस्ट हैव टू स्टडी। तुम लोग अगर पढ़ भी लोगे ना तो क्या गारंटी है कि तुम पास हो जाओगे? पूरी गारंटी है। मैम और एक बात है, और एक बात है, अभी एंड करते समय गाना गा दो आप, मजा आ गया। आपका पूरा सुन लिया अभी हमने, एक गाना गा के फिर एंड करेंगे मैम। चलो बहुत बढ़िया। बच्चों क्या बोलते हैं आप लोग, जल्दी से थम्स अप भेजो चैट बॉक्स में और फिर एंड करेंगे मीटिंग। मेरे हाथ में एंड करना है। ये गब्बरू बोल रहे हैं, ये जो गब्बर है ना बिल्कुल खुश नहीं हुआ है, बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ है। सरकार खुश हो जाओगे आप, गाना गा लो आप, बस एक गाना गा दो, बनता है बनता है, इतना तो बनता है। चलो क्या बोलते हैं बच्चे लोग? नहीं नहीं, बच्चों के डाउट हम पहले डाउट सॉल्व कर ले, फिर मैं भाग जाऊंगी फटाफट से। थैंक्स टू इंस्पायर भाई, ये अभी सब गाना मांग रहे हैं मैम। बाकी आप कुछ नहीं, आप एंड करो और फिर बच्चों को शेड्यूल दे दो आप, बस। और कुछ बोलना है? मैं एक नहीं, ऑल सेट ऑल सेट। देखो यार ऑनेस्टली हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो तुम लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो हम लोगों के साथ, और तुम्हारी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट भी तुम ले लेना, लेकिन अभी बस तैयारी कर लो। एक सवाल है मैम, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो एग्जीक्यूटिव में काम आएगा जो ईटी में हम पढ़ रहे हैं? ऐसा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में काम आएगा जो ईटी में पढ़ रहे हैं और उसका कनेक्शन एग्जीक्यूटिव में मैम, और उसको रॉक्स बोलना पड़ेगा? तो देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो अगर तुमने अभी मजे में ले लिया और हल्के में ले लिया तो एग्जीक्यूटिव में जो 12 बजेगी, एंड दैट सब्जेक्ट माय फ्रेंड इज मयूर सर रॉक्स, दैट इज लॉ रॉक्स। तो लॉ की तो तैयारी तुम्हें तगड़ी लगेगी, तगड़ी तगड़ी। जस्ट सेकंड, मैं एक चार्जर लगा लेती हूँ ताकि मैं गाना गाते गाते भाग जाऊं। बच्चों मैराथन का आपको एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आप मैराथन का पूछ रहे हो तो जैसे हर सब्जेक्ट के हिसाब से हर फैकल्टी अपना अपना डेट या प्लानिंग बताएगा आपको, एक दो दिन रुककर समझ जाएगा मैराथन के बारे में। काफी बच्चे बोल रहे हैं यस, टेस्ट जो है वो ओपन टू ऑल है मेरे हिसाब से, आई गेस। मैम ओपन टू ऑल है टेस्ट क्या? इंस्पायर स्टूडेंट्स के लिए ओपन टू ऑल, ओपन फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। प्राइस कुछ बहुत यूनिक रहने वाला है जितना मुझे मालूम पड़ा है। मैं भी शायद टेस्ट दू प्राइस के लिए, ठीक है ना बात? तो मैं राज सर के पीछे लगाऊ की प्राइस मुझे दे दो, करेक्ट है? तो जरूर आपने बढ़िया कर लेना है। ओके, करंट अफेयर्स तो यार देखो सब्जेक्ट ही डेंजर है, मतलब वो बात ही अलग है। बस पढ़ते रहो, वो जनरल नॉलेज जो है वो चलते रहने वाला है, उसके लिए लोड मत लो, रीडिंग करते रहो। और मैम जल्दी से लॉ रॉक्स बोल के गाना गा लो आप। ओके ओके यार मेरे को ना, आई एम बैड विथ लिरिक्स, तो मैं जैसा भी अब मैं गा देती हूँ, ठीक है? और ये बच्चों अगर तुमने एक ने भी रिकॉर्ड किया ना, एक थप्पड़ पड़ेगा। ओके, 1 2 3 लॉ रॉक्स। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने, मुसलसल नजर बरसती रही
तरसते हैं हम भीगे बरसात में एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। वो सरसर नजर तरसती रही भीगे बरसात में, इसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान, उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, वाह, जरा तस्वीर से आग लगा तू दी। निकल के सामने आ मेरी महबूबा। लव फॉर एस आर के, थैंक यू सो मच। यो, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो बच्चों, कुछ क्वेरी है तो बताइए, फिर हम जल्दी से एंड करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल हो, यही अनाउंसमेंट के लिए हम आए थे, टेस्ट सीरीज। बच्चों आपने रेगुलर बैच सही ढंग से अटेंड किया, रिवीजन ऑलमोस्ट काफी सारा हो चुका है, कुछ चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी आप करोगे, भाई सक्सेस दूर नहीं है, सक्सेस दूर नहीं। आपने टेस्ट मैच खेल लिया, आईपीएल खेल लिया, ओडीआई खेल लिया, अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करो पिच पर, तो जरूर कामयाबी आपके साथ रहेगी। और हर फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रातों रात ऐसे यूट्यूब पर आकर पढ़ने से काम नहीं होता है, हर फैक्टर्स पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और आई गेस मैम जल्दी से कंप्यूटर सेशन को भी लेकर आएंगे। मैम आपका कुछ प्लानिंग है इस बारे में, हाउ टू अपियर कंप्यूटर सेशन का कुछ गाइडलाइंस आप देने वाले हो? यस, आप या राज सर, क्या है? हाँ बेसिकली बताइए, नहीं, बेसिकली राज सर आने वाले हैं, प्रिय राज सर आने वाले हैं कंप्यूटर गाइडलाइंस को लेकर, कब बाद में ठीक आएंगे? है। और हाँ, आज नहीं, उनको उनका वीडियो कल आने वाला है, इधर ही विल कम लाइव और ही विल कम अप विद अ वीडियो, ठीक है। तो वो आने वाले हैं, और जो स्टडी स्केड्यूल है उसके बारे में भी आप लोगों को पता है कि स्टडी स्केड्यूल हम लोग कल देने वाले हैं। तो आप जो आप ये जो 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का टाइम है ना, वो हमें दे दो, हम उसकी पूरा स्केड्यूलिंग करके दे देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, एग्जाम में कंप्यूटर कैसे यूज करना है उसका राज सर आपको बताने वाले हैं, टेंशन मत लो। ये जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री है तो उसका भी टेंशन मत लो। और मयूर सर आप भी गाओ ऐसा बच्चे बोल रहे हैं तो उसका भी टेंशन मत लो, क्योंकि मयूर सर अरे गा रहे हैं। बच्चे घर चले जाएंगे, पहले ही घर पे बैठे हैं, मजे ले लिए मैम ने। गाना है, यस सच में गाना यस है? बिल्कुल, ऐसा लाइव कभी हाँ नहीं गाया मैम हाँ मैंने। वाइफ जूता मारेंगी बोलेंगे, वो मेरे लिए नहीं गा रहा तो लाइव गा रहा क्या यही आदमी को मैंने पसंद किया है। अरे बाप रे, चलो एक गाना गाते एंड कर लेते हैं। मेरा एक पेटेंट सॉन्ग है, हाँ बच्चे जो जी, मेरे पुराने वाले जानते हैं, वो दो तीन सॉन्ग में से रट्टा मार के आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना बात। और मेरा पुराना वाला सॉन्ग है, तो शायद बच्चों को गाना पता भी नहीं होगा, ठीक है ना बात। तो शादी से पहले वाला गाना ही है, अब बाद में वाला मत पूछना, ठीक है। सॉरी इफ किसका ईयरफोन फट जाए, मोबाइल फूट जाए, एम्बुलेंस मंगा लो, भाई मेरी गलती नहीं रहेगी, क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामी दुक्कड़म, क्या बोलते हैं आप लोग, करेक्ट है बात, वो पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। उनसे कह रहा था मैं, बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए, कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। सॉरी, चलो एक नंबर, आग लगा दी मयूर सर बोलना ने, क्या पड़ता है, बोलते हो, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आग। इज्जत बचा ली आपने। नहीं, चलेगा, लेट्स स्टॉप दिस थिंग। बच्चों कुछ ऑसम, क्वेरी है कि चलो देख लो, यार, फिर स्टॉप कर लेते हैं, आप बोलो मुझे एंड करना तो मैं करता हूँ। कुछ क्वेरी है बच्चों? वो 15 सेकंड का यस बफर रहता है ना इसमें, यूट्यूब पर 15-20 सेकंड का डिले रहता है लैग। यो लॉ रॉक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस राइट। चलेगा, आई गेस वी आर डन विद द अनाउंसमेंट। अच्छा, बस बच्चों मेन बात है टेस्ट सीरीज के ऑनेस्टली लिए। हाँ एक एक चीज है सर, यस, एक चीज है, राज सर को मैंने कहीं नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो राज सर अपने घर पर है, कुछ इमरजेंसी थी इसलिए हम दो लोग आ गए हैं उनके बकरे बन लिए, गए, उनके बिहाफ बकरे पर, बन गए एक्चुअली ठीक है। राज सर के और लिए। हम लोग
बकरे बन गए, ठीक है। तो रात सर आने वाले हैं तुम लोगों के साथ अलग से, वैसे भी तुमसे बात करें, तुम लोग तो प्यारे हो यार, प्यार हो तुम लोग उनका, तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो आएंगे और वो सब कुछ बताएंगे, टाइम टेबल एवरीथिंग विल बी ऑन व्हाट्सएप। सो इफ इट ऑल यू आर नॉट कनेक्टेड ऑन आर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्पायर के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप नहीं कनेक्टेड हो, देन यू कैन मैसेज मी पर्सनली और मयूर सर, या फिर तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर तुम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर कमेंट जो सेक्शन है उसमें भी लिख सकते हो। वी विल शेयर द लिंक ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, और एक बात है, जो ठीक है। बच्चों को जो भी बोलिए सवाल सर। रहे हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है आपको पूछना है, और अगर इस सेशन में आपको नहीं मिला होगा तो चैट में नहीं बट नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, तो हमें चैट ऑफ हो जाता है जब हम लाइव एंड करते हैं, तो अगर आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालोगे तो विल हेल्प यू आउट विथ योर ऑल योर क्वेश्चन एंड आंसर, और आपके ईटी के प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखनी है, वो हम ट्राई करेंगे, वेरी क्लियर है ना। चलो बच्चों, बाय बाय, हैव अ लवली करेक्ट डे, टेक करेक्ट केयर, करेक्ट थैंक्स अ लॉट मैम, बाय बाय।